तो सबसे पहले आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया। आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में आधार देने की अब आपको जरूरत नहीं होगी। मोबाइल कनेक्शन, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं होगा, लेकिन पैन कार्ड से आधार को लिंक करना आपके लिए जरूरी होगा। इसके साथ ही स्कूल एडमिशन के लिए सीबीएसई, नीट, यूजीसी के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने आज कहा कि आधार यूनिक है और इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना पैसा आना या जाना इस बिल में कनेक्टेड है तो मनी बिल तो हो गई ना। मनी बिल का मतलब ही ये होता है जिस कानून में पैसा कंसोलिडेटेड फंड से आएगा या जाएगा, इतनी सब्सिडी इसमें जाएगी तो कंसोलिडेटेड फंड से ही जाएगी, तो मनी बिल की पोजीशन कोर्ट ने करेक्टली अपहोल्ड करी। तो आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने स्वागत किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इसका दूरगामी असर होगा। ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। और आधार की कॉन्सेप्ट को, आधार के लेजिस्लेशन को जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद स्वीकार किया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। देर आर नाउ 122 करोड़ पीपल इन इंडिया हु हैव एन आधार कार्ड एंड आर एस्टिमेशन इज that by identifying beneficiaries of government schemes and ensuring that there are no fake or duplicate or non-existent beneficiaries, we are already saving 90,000 crore rupees every year. वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पहचान पत्र के तौर पर जारी रखने की इजाजत दे दी है। वहीं वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आधार कार्ड को एक आईडी कार्ड जैसे बना दिया, जैसे हमारी मर्जी से कहीं कहीं जाना है तो आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर आज एक बहुत अहम लैंडमार्क फैसला दिया है, यह कहते हुए कि जो आधार है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसको अपहोल्ड किया है एक स्कीम के तहत। इससे ये होगा कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो सोशली बेनिफिट स्कीम्स गरीबों तक जाती हैं, ग्रामीण एरिया में जाती हैं, उसमें सही ढंग से कार्य होगा। साथ ही साथ जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको आधार नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और जो बच्चे हैं उनके लिए आधार नहीं बनाया जाएगा। स्कूल जो है बच्चों का आधार नहीं मांग सकते। इससे जो माँ बाप को डर था कि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, उस पर रोक लगेगी।